पर्यटावा से जहां कुपोषण बना मासूमों के लिए काल। सैफई पीजीआई में एक महीने में 95 नवजात बच्चों की मौत हो गई। कुपोषण के चलते 95 बच्चों की मौत हुई है। सैफई पीजीआई में एक महीने में 1464 बच्चों का जन्म हुआ। 1464 बच्चों में से 95 बच्चों की कुपोषण से मौत हो गई। पीजीआई के डायरेक्टर पी प्रभाकर ने यह आंकड़ा जारी किया है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी रोहित चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या अपडेट है? क्या आपको लगता नहीं कि इन आंकड़ों में अस्पताल की एक बड़ी कमी, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कमी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से जो आंकड़ा जारी हुआ है कि पिछले महीने में जो 1464 बच्चों ने जन्म लिया और उन्हीं बच्चों की जन्म लेते ही जो है 95 बच्चों ने जो है दम तोड़ दिया। हालांकि ये मौत की वजह जो है कुपोषण बताई जा रही है, लेकिन इसमें अस्पताल प्रशासन जो है, जो पीजीआई का प्रशासन है, वो अपनी इस बात में गलती मानने से बिल्कुल मना कर रहा है। उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके की इसमें अस्पताल की कोई गलती नहीं है। हालांकि माँ जो एक गर्भवती महिला होती है, उसको ही एक शुद्ध और एक निर्धारित डाइट के हिसाब से पोषित खाना दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का भरण पोषण उसके गर्भ में ठीक से हो सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन और अस्पताल की लापरवाही इसमें साफ साफ नजर आ रही है कि उन गर्भवती महिलाओं को जो निर्धारित डाइट के हिसाब से खाना न देने की वजह से उन बच्चों की मौत होना लाजमी बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी कमी सामने आई टाओ में, कुपोषण से मासूमों की लगातार मौत हो रही है।